दोस्तों आई डोंट नो व्हाट लियो मेसी इज कुकिंग लेटली, बट जो भी वो कुक करके खा रहे हैं, क्या गजब गजब के सैवेज रिप्लाइज दिए उन्होंने भाई साहब पूरे आप कह सकते हैं इस नैरेटिव को जो मेसी अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के खिलाफ चल रहे थे। वी विल हैव अ लुक ऑन दैट। ऑल्सो वी वांट टू टॉक अबाउट निको विलियम्स से रिलेटेड एक नई खबर निकल कर के आई है रिगार्डिंग एफ सी बार्सिलोना एंड उनके लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा एफ सी बार्सिलोना को, वो भी निकल करके आ गया है। आइगोर स्टेमेक से रिलेटेड एक अपडेट आया है, क्या वो सैक होंगे और अगर होंगे तो हु आर दी पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिनको आइगोर स्टेमेक के बदले इंडिया के टीम में जो है वो ऐसा कोच अपॉइंट किया जा सकता है। और तो और भाई एक गजब का डेवलपमेंट हुआ है बोरुसिया डॉर्टमुंड में, नजर डालेंगे उसके ऊपर भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। कल की वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई दोस्तों क्योंकि कुछ ग्लिच आ गया था हमारे सॉफ्टवेयर में जिससे हम एडिट करते हैं। अभिषेक भी बाहर गया हुआ है तो वो लैपटॉप में एडिट कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जिसके चलते वीडियो लेट आई है। आज भक्कस कोशिश करे जाएगी कि 7:30 बजे वीडियो आ जाए, अगर नहीं आए तो सॉरी, वरना हम लगे हुए हैं। एनीवेज, लेट्स बिगिन द वीडियो बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक गिचिल के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो लियो मेसी के एपिक रिप्लाइज। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा बिफोर द बिगनिंग ऑफ यूरोस किलियन एम्बाप्पे का ये स्टेटमेंट आया था कि यूरोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है वर्ल्ड कप से। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर लियो मेसी का रिएक्शन जानने के लिए जो है वो मीडिया वालों ने पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है एम्बाप्पे के इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मेसी का जो रिप्लाई था ना भाई, अमेजिंग, पिन पॉइंट एक्यूरेट और कुछ छलावा देने वाला नहीं। अब तुम सुनते जाना। लियो मेसी ये कहते हैं कि एम्बापे ये कहता है कि यूरोस जो है वो मोर डिफिकल्ट है वर्ल्ड कप से। उसने ये भी कहा था कि साउथ अमेरिका की टीम जो है वो उतना कंपटीशन जो है वो नहीं रखती है जितना यूरोपियन टीम्स में दमखम है, उतना साउथ अमेरिकन टीम्स में दमखम नहीं है। और ये स्टेटमेंट किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप से पहले दिया था। Everyone values what they play. आगे लियो मेसी ये भी कह देते हैं कि हाँ भाई, वैल्यू किया जाता है जो यूरोपियन जो है वो भाई साहब टीम्स खेली जाती है। आगे यहाँ पे जो है वो लियो मेसी ऐड करते हैं कि द यूरो कप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोस कप, लेकिन तुम अगर अर्जेंटीना जो 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस है, ब्राज़ील जो 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस है, उरुग्वे जो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस है, उनको तुम जो है वो भाई साहब हटा दोगे, तब फिर जो है वो तुम कैसे कहोगे कि भाई साहब यूरो कप जो है वो डिफ़िकल्ट है विदाउट दीज मैनी वर्ल्ड चैम्पियंस इन योर कॉम्पिटिशन। आगे वो ये भी कहते हैं वर्ल्ड कप में बेस्ट टीम्स खेली जाती हैं और जो वर्ल्ड चैम्पियंस रहती हैं वो भी वहाँ पे जो है वो रहती हैं, इसीलिए सभी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते हैं। थोड़ा सा अनुवाद करने में इस स्टेटमेंट का दमखम ख़त्म सा हो गया, लेकिन किलियन एम्बापे के स्टेटमेंट का बहुत ही बेहतरीन जवाब जो है वो लियो मेसी ने दिया है कि यूरोस में यार तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारे यूरोस अच्छी होती वर्ल्ड कप से, क्या बोल रहे हो, क्या वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना खेलती, ब्राज़ील खेलती, उरुग्वे खेलती जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो तुम्हारे यूरोस में भाई अगर ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड कप वाले टीम्स नहीं खेलते तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वर्ल्ड कप जो है वो ज़्यादा ईजी है यूरोस से, वर्ल्ड कप में हर एक लोग खेलते हैं, तुम्हारे यूरोज वाले लोग भी खेलते हैं, हम साउथ अमेरिकन की टीम्स भी खेलती हैं जिन लोग ने मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड कप जीता है, तो वो होता है असली कंपटीशन। ऐसा रिप्लाई भाई, गजब का रिप्लाई यहाँ पे लियो मेसी का। आगे लियो मेसी से ये भी पूछा गया कि भाई क्या आप वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं अगली वाली, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप खेलोगे क्या? तो लियो मेसी कहते हैं कि देखो, मैंने कभी भी इंपॉर्टेंस दिया नहीं रिकॉर्ड्स को, मैं वर्ल्ड कप में बस इसीलिए नहीं खेलूंगा कि मेरे को ये बोलने बन जाए कि मैं 6 वर्ल्ड कप में जो है वो खेला हूँ। अपेरेंटली आप लोगों को पता है रोनाल्डो 6 यूरोस में खेलने वाले पहले जो है वो खिलाड़ी बने हैं, तो क्या पता ये कटाक्ष उनके ऊपर था, लेकिन जो भी था नहीं भी था, नाम तो यहाँ पे लियो मेसी ने लिया नहीं, बट रिप्लाइज जरूर यहाँ पे लियो मेसी की तरफ से सैवेज जो है वो नज़र आए। खैर, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे निको विलियम्स से रिलेटेड। तो एफ सी बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है निको विलियम्स को साइन करने के लिए, बात छुपी नहीं है, एवरीबडी नोस लेफ्ट विंग वाले पोजीशन में निको विलियम्स नंबर 1 प्रायोरिटी टारगेट है बार्सिलोना का। अब एक जो है वो डाउट निकल करके आ रही थी कि इसका रिलीज क्लॉज कितना है, क्योंकि मेनी ऑफ द रिपोर्ट्स फॉर सजेस्टिंग कि इसका रिलीज क्लॉज बिलो 60 मिलियन है, लेकिन आज जो है वो भाई परफेक्ट अमाउंट, जो एक एग्जैक्ट अमाउंट होता है वो आ चुका है मार्केट में, और वो है 58 मिलियन का। 58 मिलियन का जो है वो रिलीज क्लॉज लगाया गया है यहाँ पे निको विलियम्स के लिए, यानी कि कोई भी क्लब जो निको विलियम्स को लेना चाह रही है वो 58 मिलियंस दे करके भाई निको विलियम्स को अपना प्लेयर बना सकती है। मोर ओवर विद द इंटरेस्ट ऑफ बार्सिलोना एवर ग्रोइंग इन डेज, भाई मैनी अदर क्लब्स जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल्सो
देयर वॉज दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग की क्लब आर्सनल जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है निको विलियम्स को लेने के लिए, तो अब ये भी जो है वो रेस में भिड़ेंगे। लेकिन बात कर ले हम निको विलियम्स की, तो आज फिर से एक फोटो नज़र आया है स्पेनिश नेशनल टीम का जहाँ पे निको विलियम्स इज हैंगिंग आउट विद ऑल दी बार्सा मेट्स। पेद्री है, फर्मीन है, लमीन यमाल है, तो आप लोग देख सकते हैं, और भी जो है वो बार्सिलोना के साथी प्लेयर्स के साथ ही ये दिन भर रहता है। तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में, इन्वायरमेंट में और अपने खुद के नेशन में खेलने का यहाँ पे फ़ायदा निको विलियम्स को मिलेगा। तो निको विलियम्स आई गेस बार्सिलोना पिक करेंगे ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल। टॉकिंग अबाउट मोर, एक जो इंटरव्यू बाहर निकल करके आई जहाँ पे निको विलियम्स ये पूछा गया कि एक प्लेयर ऐसा बताओ जिसके साथ तुम खेलना चाहते हो क्लब के लिए या फिर नेशन के लिए, तो वो कहता है एम्बाप्पे। तो फिर उससे ये पूछा जाता है कि क्या तुम फिर रियल मैड्रिड के साथ साइन होना चाहते हो, तो यहां पे निको विलियम्स कहता है नो, फॉर द नेशनल टीम, इफ ही वॉज स्पेनिश यू सेड इट कुड बी फॉर द नेशनल टीम। यानी कि आपने मुझसे पूछा था कि नेशनल टीम के लिए भी बताओ, तो मैंने नेशनल टीम के हिसाब से बताया, क्लब के हिसाब से नहीं बताया। तो निको विलियम्स डज नॉट वॉन्ट टू गो टू भाई साहब यहां पे रियल मैड्रिड, ही ओनली भाई साहब इज फोकसिंग ऑन यूरोज राइट नाउ। और रियल मैड्रिड को भी निको विलियम्स की जरूरत नहीं है भाई, उनके पास विनीशियस जूनियर है। मोर ओवर, निको विलियम्स से डायरेक्ट ये पूछा गया कि क्या बार्सिलोना के प्लेयर्स जिनके साथ आप इतना ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, क्या वो आपको इन्फ्लुएंस वगैरह कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो है वो निको विलियम्स का कहना था कि क्या बार्सिलोना प्लेयर्स मुझको कन्विंस कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, और उन लोग हेजिटेट नहीं करते हैं, उन लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है भाई। अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से बात करना, तो वो डायरेक्ट मेरे से आकर बात कर देंगे, लेकिन हम लोग अभी पूरे तरीके से सीरियस हैं फॉर दी यूरोज का जो है वो कॉम्पिटिशन। एक और सवाल यहाँ पे निको विलियम्स से पूछा गया था कि क्या बोलते हैं, क्या है आपका फ्यूचर? तो उसने कहा था कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, मैंने इवन अपने मैनेजर को भी ये बात कह दी है कि यहाँ पे जो है वो मेरे से कोई भी क्लब के बारे में डिस्कस मत करो, मैं जो है वो पूरा फोकस अपना यूरोस में रखना चाह रहा हूँ। बट एक रिपोर्ट भी निकल करके आई है जहाँ पे ये रिपोर्ट बहुत रिलायबल सोर्स से आई है कि निको विलियम्स इज हिमसेल्फ भाई साहब वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टू ज्वाइन एफसी बार्सिलोना, ही इज वेरी मच एक्साइटेड टू ज्वाइन एफसी बार्सिलोना विद द लाइक्स ऑफ पेद्री, लमीन, फर्मीन, बाल्दे, जो इसके खुद के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और निको विलियम्स इज इवन रेडी टू सिट एट एथलेटिक बिलबाओ फॉर वन मोर सीजन सो दैट ही कैन जॉइन बार्सिलोना इन द नेक्स्ट सीजन इफ थिंग्स डू नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन फॉर निको विलियम्स एंड एफसी बार्सिलोना। सो देखने वाली बात होगी यहाँ पे क्या होने वाला है निको विलियम्स के साथ। बट हाँ, जितनी हम चीज़ें समझ पा रहे हैं, निको विलियम्स टू बार्सिलोना इज गेटिंग रियली वेरी क्लोज, अंडल एंड अनलेस बार्सिलोना जो है वो कुछ लफड़े में ना फंस जाए, कुछ स्पेंडिंग करने के लफड़े में ना भर जाए। अगर बार्सिलोना 1:1 के रेशियो में आ जाती, जो ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी होपफुली, तो फिर निको विलियम्स टू बार्सिलोना होते हुए कोई नहीं रोक सकता है। खैर, अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है आइगोर स्टेमक के सैकिंग से रिलेटेड। सो आइगोर स्टेमक को सैक करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो है वो अभी एज सच कुछ 100% रिलायबल सोर्स से खबर निकल करके नहीं आई है। ऑल दो आइगोर स्टेमक आफ्टर दैट हॉरिफिक डिफीट अगेंस्ट कतार, हॉरिफिक मैं प्लेयर की जो है वो परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, हॉरिफिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फीफा ने जो गड़बड़ घोटाला किया था उसके रिगार्डिंग में हॉरिफिक का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। एनीवेज, सो यहाँ पे आइगोर स्टेमक ने यह कहा था कि देखो हमारे प्लेयर जो है वो अनलकी थे इस गेम में, मैं भी जो है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। आगे आइगोर स्टेमक ने यह भी कहा था कि शायद अगर हम ओवरसीज प्लेयर वगैरह को ले आएंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा भाई, अच्छा जो है वो कॉम्पिटिशन वगैरह हम कम्पीट तरीके से जो है वो कर पाएंगे दूसरे जो है वो नेशंस के साथ। तो ये दो उन्होंने तुक रखा था, उनके साइकिंग वैकिंग से रिलेटेड अगर सवाल भी पूछा गया तो आइगोर स्टेमक ने शायद जो है वो जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो है वो AIFF के टेक्निकल कमिटी चेयरमैन IM Vijayan ने जो है वो भाई साहब ऐसा कहा है कि फेडरेशन इज ओपन टू हायरिंग एन इंडियन कोच एज ई नेक्स्ट हेड कोच ऑफ सीनियर मैंस नेशनल टीम। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हेड कोच जो सीनियर मैंस नेशनल टीम का बनेगा, ये कब बनेगा, क्या आइगोर स्टेमक को सैक करेंगे, ये सब उन्होंने नहीं कहा। बस उन्होंने ये कहा कि हम एक इंडियन कोच को लाने के लिए तैयार हैं। आगे जो नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो भाई साहब खालिद जमील, रेनेडी सिंह, या फिर यहाँ पे जो है वो भाई साहब आपके महेश को भी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है एज द नेक्स्ट इंडियन फुटबॉल टीम का कोच। नाउ मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड, मैंने सर खालिद जमील के बारे में बहुत सुना है, इवन बिफोर 2-3 ईयर्स जब बात चल रही थी आइगोर स्टेमक को सैक करने से रिलेटेड, खालिद जमील का नाम बहुत उछलता था। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिद जमील अगर कोच बनते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के, तो इंडियन मेंटेलिटी और कुछ कमाल का हो सकता है। ऑल दो मैनी ऑफ डिफेंस फॉर इवन सजेस्टिंग कि एक प्रॉपर स्पेनिश या फिर जो है वो भाई इंग्लिश कोच वगैरह लेकर के आओ टीम का जो है वो लेवल को एलिवेट करने के लिए, शायद हमारे इंडियन कोचेस के अंदर उतना दमखम नहीं है, ऐसा कुछ फैंस कह रहे थे। बट आई बिलीव अगर हम एक प्रॉपर इंडियन कोच लेकर के आएंगे जो उन्होंने
अपने आप को प्रूव किया है ISL में, जो ISL में हमारे इंडियन प्लेयर्स के साथ वर्क कर चुके हैं, आई गेस वो काफ़ी अच्छा जो है वो काम करवा सकते हैं हमारे इंडियन नेशनल टीम के साथ। सो अगेन दी थ्री नेम्स जो हो रहे हैं, रणजीत सिंह, खालिद जमील एंड महेश गाविल, अब देखते हैं दोस्तों इनमें से जो है वो कौन होगा। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे बोरुसिया डॉर्टमुंड से रिलेटेड खबर। नाउ आप लोगों ने बोरुसिया डॉर्टमुंड का रन देखा ही है UCL के जो है वो कॉम्पिटिशन में इस साल, और उनके मैनेजर को हर एक जो है वो भाई बंदे ने प्रेस किया, कैसे उनके मैनेजर ने PSG को जो है वो बीट किया, और भी जो है वो उनका रन काफ़ी अच्छा था, अनबीटन थे एक जो है वो भाई ग्रुप ऑफ डेथ में। अब भाई यहाँ पे जो है वो टेरिजिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैंस वगैरह एकदम दिल फेंक आसिक हो रखे थे कि फाइनल तक आप लेकर के गए, ऑल दो फाइनल हम हार गए लेकिन स्टिल फाइनल तक पहुँचाना भी बहुत बड़ी जो है वो बात थी यहाँ पे टेरिजिक के लिए। लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे जो है वो टेरिजिक ने खुद रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ भाई साहब हेड कोच। अब उन्होंने खुद रिज़ाइन क्यों किया है, इसके जो रिपोर्ट्स निकल कर के आ रहे मार्केट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है ये स्पेकुलेशन हो, बनावटी खबरें हों, लेकिन ये खबरें ना दो दिन पहले से ही आ रही थी, तो ऐसा समझा जा रहा है लोगों ने थोड़ा सा जो है वो लिंक कर दिया कि पक्का इसी के चलते जो है वो छोड़ा होगा। प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, मैट ह्यूमल्स के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, ह्यूमल्स इस सीज़न के में बोरुसिया डॉर्टमुंड का वन ऑफ द बेस्ट जो है वो प्लेयर था, ही वॉज द बेस्ट डिफेंडर इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन एज वेल, मैं ये भी कह सकता हूँ। तो ह्यूमल्स का यहाँ पे जो है वो कुछ लफड़ेबाजी जो है वो टेरिजिक के साथ चल रहा था, टेरिजिक के साथ उसका इतना ज़्यादा जो है वो लफड़ाबाजी बढ़ गया था कि टेरिजिक को बिल्कुल भी जो है वो नहीं जम रहा था मैट ह्यूमल्स के साथ रहना, और ह्यूमल्स ने तो ये तक बात कह दी थी कि मैं ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा जो है वो भाई साहब स्टार खिलाड़ी हूँ, तो या तो मैं रुकूंगा या तो टेरिजिक रुकेगा। अब ऐसा भी समझ में आ रहा है कि मैट ह्यूमल्स ने जो है वो और भी कई सारे प्लेयर्स को अपने साथ ले लिया था यहाँ पे जो है वो पूरा एक कैंपेन चलाने के लिए, टेरिजिक को एज अ कोच निकालने के लिए। अब कौन कौन से जो है वो भाई बंदों को इन्होंने जो है वो भाई अपने साथ कर दिया था, तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ अभिषेक से, आप लोग देख लीजिए, निकोलस फुलक्रक जो स्ट्राइकर है उनका, जूलियन ब्रांट जो एक अटैकिंग प्लेयर है इनका, ये जो है वो भाई साहब हमेशा जो है वो मतलब मैनेजर को जो है वो बार बार कहते थे क्या बोलते हैं कि तुम सही नहीं हो ऐसे करके, ठीक है। अब इसी सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो है वो उन्होंने खुद से छोड़ दिया यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड का कोच वाला पद, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया, बोला यार मैं लफड़ेबाजी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, हो गया छोड़ो, ये ले लो मेरा रेजिग्नेशन, मैं चला। अब इसके रेजिग्नेशन को देखने के बाद यहाँ पे जो है वो भाई साहब नूरी शाहीन को नया कोच बना दिया गया है बोरुसिया डॉर्टमुंड का। अब नूरी शाहीन आई गेस एक असिस्टेंट कोच भी थे यहाँ पे जो है वो भाई साहब बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, बट मुझे इतना अच्छे तरीके से याद है शाहीन वॉज अ प्लेयर हु प्लेड फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड विद जर्गन क्लॉप, एंड उसको मैंने बचपन में नूरी शाहीन को लिवरपूल के कपड़े में देखा है, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। रियल मैड्रिड में भी ये गया था, चार जो है वो बस मैचेस खेला, मेरे को रियल मैड्रिड में इसका स्टेंट याद नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए था, बट मैंने उसको लिवरपूल के कपड़े में देखा है, मुझको ये ज़रूर याद है। तो शाहीन विल बी द न्यू कोच ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड, जो जर्गन क्लॉप के साथ खेले हैं, और उनका जर्गन क्लॉप का जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस माना जाता है शाहीन के जो है वो मैनेजेरियल स्टाइल के ऊपर, मोर ओवर पेप गार्डियोला से भी जो है वो कुछ चीज़ें ये ड्रॉ वगैरह करता है, और बोरुसिया डॉर्टमुंड तो इसके दिल में है क्योंकि ये बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए एक बहुत लंबे समय तक प्लेयर बन के रहा है। तो नूरी शाहीन विल बी दी न्यू कोच ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड, एंड टेरिजिक जो है वो खुद रेजिग्नेशन दिए हैं, ही इज नॉट सैक्ड, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। खैर ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल, टिल दी नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में चैनल भरा गया जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।